तो वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके एक वोट ने भारत को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ाया है। वही 70 साल बाद धारा 370 को हटा दिया गया, एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया गया, वही महिलाओं को आरक्षण दिया, भेजा भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया, मुफ्त राशन और इलाज की गारंटी भी दी और युवाओं का भविष्य सवारा, सीमित अवसर पैदा किए, वही 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाई, आपके एक वोट ने 500 साल के लंबे इंतजार को समाप्त किया और भव्य राम लला मंदिर का निर्माण करवाया। पीएम मोदी ने के इरादे कितने खतरनाक हैं ये समझने के लिए उन लोगों की बात सुननी होगी जो 20 से 25 साल तक कांग्रेस में थे लेकिन अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं। ये लोग हैं जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वे ताजी हवा में सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत हो गया। एक महिला ने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़ना पड़ा। आपके एक वोट ने भारत को पांचवी बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने भारत माता की नर्मदे हर। आज मैं एक और नारा बुलाता हूं, बोलेंगे मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे, 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 सब भाई काजे राम राम।